माइसर स्नेहा द्विवेदी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, ठीक है, जो कि है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 5 कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 60 का स्क्वायर, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 का वर्ग, ठीक है, प्लस 4 कॉस सेक स्क्वायर 30, तो हमारी सेक जो हमारे सेक 30 की वैल्यू होगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे मतलब वर्ग कर देंगे। सेक 30 हमारा क्या होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 40 मतलब 10 45 करके उसकी उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे करेंगे साइन स्क्वायर थर्टी मतलब साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर, साइन 30 होते 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 3/√2 और उसका वर्ग कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, 5 1 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का वर्ग क्या होता है 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग कितना होता है 2 का 4 और √3 का जब रूट वाली वैल्यू का वर्ग करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 1 का वर्ग क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए 1 का क्या होगा 1, 2 का 4 प्लस √3 का क्या हो जाएगा 3 और 2 का 4। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 5 कम 5 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, ठीक है, नीचे क्या आया हमारा 1 3/4। ऐसे हम यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, जो कि आएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 और क्योंकि 4 में 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है, इसलिए क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाएगा 15 प्लस, ठीक है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12/4 तो 4 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 64 माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12/12, ठीक है, नीचे हमारा क्या बचा था 4 4/4 जो कि कट गया तो क्या गया 1, हमारा बचा क्या है यहाँ पे, देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे 15 माइनस 12 इज 3 प्लस 64/12 तो क्या आ गया 67/12, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें फॉर आगे की वीडियोस के लिए। थैंक यू।